पब्लिक रिएक्शन बॉस, फुल तबाही मचा के जा रहे हैं भाई, फुल तबाही मचा के जा रहे हैं। लेट्स होप कि यहाँ पे कोई भी कॉप्स हमें ना पकड़े, एंड यहाँ से जो रास्ता मिलेगा वो मेरे लिए टोटली न्यू रहने वाला है। बड़ा मजा आ रहा है गाइस, यहाँ पे बाइक चला के, कांचनपुर है इस जगह का नाम। ओ माय गॉड, क्या खूबसूरत रास्तों पर हम लोग आ चुके हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस यार, पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर रहा होगा क्या नहीं, पर मैं जो आंखों से देख रहा हूँ ना, ये बयां नहीं कर सकते। 200 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। ऐसी रिमोट पाव कैसे ना, फ्रस्ट्रेशन नहीं मानी A very warm good morning to you all, ladies and gentlemen. Welcome back to my YouTube channel. This is Ketan, और आप देख रहे हैं KP Vlog Silchar. The time is 7:16 in the morning, and it's finally 6th of May. 6th का plan हो रहा था हम लोग बहुत दिनों पहले से कि हम लोग जाने वाले trip पूरा Jampu Hills. तो finally this is the day. मैं फिलहाल हो गया ready. अभी bike में बैठते हैं ride शुरू करते हैं। राइड शुरू करने के बाद गाइस मैं आपको मिलाता हूँ हमारे साथ राइड पे कौन कौन जा रहा है। लेट्स डू इट लेडीज एंड जेंटलमैन। तो यार फाइनली मैं निकल चुका हूँ अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप को लेकर, और गाइस मेरे पास कोई भी लगेज नहीं है। गैस व्हाट, मैंने मेरा लगेज सब कुछ रख दिया है हमारे कार पर, एंड वी आर क्रॉसिंग द तारापुर एरिया। मेरे पीछे तीर्थो भाई भी मेरे को ज्वाइन कर लिया है। मीटिंग पॉइंट हमारा है रामनगर ढाबा, तो ढाबा तक चलते हैं, देन मिलाते हैं हम आपको कौन कौन जा रहा है कौन नहीं। Let's go, ladies and gentlemen. तो यार finally we reached धावा, रामनगर का धावा, एंड यहाँ पे बहुत लोग ऑलरेडी आ गए हैं। यहाँ पे प्रांतिक ब्रो, hey guys. फिर तीर्थो भाई, hello. आज तक तीर्थो भाई, फिर अभिजीत दा, ये गाड़ी पे जाने वाले हैं, ये भी गाड़ी लेके जा रहा है बैकअप कार। फिर यहाँ पे ये लोग तो ब्रेकफास्ट ही कर ले रहे हैं। ओशिम दा यहाँ पे, तरुण दा, अच्छा तुम्हारा हाथ छोकरा बुलिदी चला रही है जेडएक्सटेनर, यहाँ पे एक स्क्रैम, यहाँ पे जीटी, ये जा रहे हैं हमें सी ऑफ करने दूर हो बाद में असला पूरा। फिर यहाँ पे हिमालयन और पीछे दो गाड़ी। लेट्स गो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो बॉयज फाइनली रीच्ड धौलेश्वर, और यहाँ पे सुमित दा और अंबू भाई हमें यहाँ से ज्वाइन करने वाले हैं। दैट्स इट गाइस, एंड यहाँ से राइड शुरू करते हैं। बदरपुर क्रॉस करते हुए अभी हम लोग निकलेंगे। तो यार यहाँ पे धौलेश्वर के सामने एक छोटा मोटा सा ब्रेक ले लिया है हम लोगों ने, एंड दिस इज द लाइन अप गाइस, दिस इज द लाइन अप। वहाँ पे एक और बाइक है, एंड बाइक में बैठते हैं, लेट्स स्टार्ट द राइड। यार हम लोगों का राइड से ज्यादा ब्रेक हो रहा है, एंड भाई आज का जो वेदर है ना भाई, दिस इज बेस्ट वेदर फॉर राइड गाइस, एंड आज का दिन ही हम लोग राइड कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है गाइस, बहुत मजा आ रहा है। हाँ बाइक से उतर रहे तो थोड़ा बहुत गर्मी लग रहा है, पर बाइक में बैठने के बाद बिल्कुल गर्मी नहीं लग रहा है। वी आर हियर नियर द करीमगंज, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं हमारे ब्रेकफास्ट, पर यहाँ का तो ढाबा ही बंद है। यहाँ से नीचे से है करीमगंज का रास्ता, एंड हम लोग ऊपर से जा रहे हैं। यहाँ से जाएंगे तो हम मिलेगा हमें चुराईबाड़ी, एंड गाइस सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, सोचे थे कि यहाँ पे बाबा ढाबा है यहाँ पे रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे, पर ये भी बंद निकला। टाइम ऑलमोस्ट 10 बजने को है, अभी भी ढाबा वाबा खुला नहीं है इस तरफ। लास्ट टाइम मैं जब त्रिपुरा गया था तब मैं सामने कोई एक ढाबा पे रुक के खाया था, तो उसी ढाबा पे अभी जाने का प्लान है। तो चलते हैं गाइस उसी ढाबा पे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। हम लोग नीलम बाजार क्रॉस कर रहे हैं अभी, फुल तबाही मचा के जा रहे हैं भाई, फुल तबाही मचा के जा रहे हैं। हमारे ग्रुप में 3 बाइक एक्चुअली कम गया है, नहीं तो और भी तबाही होता भाई, और भी तबाही होता। फिलहाल तो सामने एक गाड़ी चल रहा है हम लोगों का, पीछे एक और गाड़ी चल रहा है, दो दो गाड़ी है भाई, दो दो गाड़ी है। और जो क्रेजी रिएक्शन मिल रहे हैं ना लोगों का, वो तो कथी जहर वाला मिल रहा है भाई।
तो यार फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं पथारगंदी। यहाँ पे हम लोग करने वाले हमारे ब्रेकफास्ट। यार सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत पेट में भूख लग गया। यहाँ पे सारा बाइक्स का लाइनअप एंड क्राउड, यहाँ पे दोनों गाड़ी का लाइनअप। फिलहाल तो गाइस अंदर चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यार यहाँ पे बाड़ीग्राम में हम लोगों ने किया एक्चुअली हमारा ब्रेकफास्ट। मैं पहले पथारगंदी बोल रहा था, पथारगंदी अभी भी थोड़ा बहुत दूर है यहाँ से। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे ब्रेकफास्ट सब कुछ खत्म, गाड़ी भी रेडी हो गई, यहाँ पे सारा राइडर्स लोग रेडी हो रहा है, एक रेडी हो जाते हैं, फिर निकल जाएंगे हम लोग जम्पुई के लिए। तो गाइस वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी वंस अगेन। द टाइम इज ऑलमोस्ट 11:07। यहाँ से लगभग एक घंटे के अंदर हम लोग चुराईबाड़ी पहुंचेंगे। चुराईबाड़ी के बाद गाइस त्रिपुरा का रास्ता शुरू। त्रिपुरा का रास्ता भाई बहुत खूबसूरत रास्ता होता है। दिस इज वाई आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड टू एंटर त्रिपुरा। एंड यार ये मेरा पहली बार होगा कि मैं लियो को लेकर त्रिपुरा जाने वाला हूँ। तो गाइस फुल पावर फन होने वाला है, तो आज लेट्स गो बल्ले बल्ले। तो बॉयज फाइनली रिच चुराईबाड़ी। यहाँ से अभी मेन गेट मिलेगा एक, उस गेट को क्रॉस करने से हम लोग एंटर कर जाएंगे त्रिपुरा। तो गाइस फाइनली वी आर गोइंग टू एंटर त्रिपुरा। लेट्स होप कि यहाँ पे कोई भी कॉप्स हमें ना पकड़े। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। दिस इज द मेन पार्ट जहाँ पे चेकिंग वगैरह होता है ट्रक्स का। चेकिंग के लिए राइट साइड पे जगह है। तो भाई ये एक पॉइंट है, जले भाषा पॉइंट बोलता है इस जगह को। एंड ये एक्चुअली मेन रोड है, मेन रोड से अभी हम लोग लेफ्ट टर्न ले लिए हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग दिस साइड। यहाँ पे एक छोटा मोटा सा दुकान पे हम लोगों ने कर लिया है एक छोटा मोटा सा ब्रेक। नाउ द टाइम इज 1:07, वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी वंस अगेन। एंड यहाँ से जो रास्ता मिलेगा वो मेरे लिए टोटली न्यू रहने वाला है, तो देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। वैसे सुना है ये वाला रास्ता जंगल के अंदर से होते हुए निकलेगा, तो यार बहुत ही मजा आने वाला है। ओ अभी भी हम लोग प्लेन पे ही है, थोड़ी देर बाद जंगल के अंदर घुसेंगे और पूरा एकदम पहाड़ी वाला रास्ता शुरू होगा। तो भाई फुल तबाही सीन्स आने को बाकी है। यार जस्ट लुक एट द रोड, यार क्या खूबसूरत रोड है यार। जम्पू हिल्स जाने का रास्ता दिल जीत लिया भाई। दोनों तरफ पेड़ और बीच में से रास्ता, और वो भी रास्ता बहुत अच्छा रास्ता है। बड़ा मजा आ रहा है गाइस यहाँ पे बाइक चला के, बड़ा मजा आ रहा है। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। Yeah.
पहाड़ी वाला रास्ता क्रॉस करने के बाद अभी हम लोग एक सिटी पर पहुंच चुके हैं। कांचनपुर है इस जगह का नाम। पता नहीं ये सिटी है कि टाउन है, पर देख के तो लग रहा है बहुत ही खूबसूरत ही होगा। जो भी है खा लेते। तो यार द टाइम इज 2:26। अभी हम लोग कांचनपुर पे है। फिलहाल हम लोगों ने 176 किलोमीटर कवर कर लिया है एंड यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अभी हम लोगों का लंच। सामने हमें दिखाई दे रहा है बहुत ही खूबसूरत सा एक माउंटेन पीक। यार क्या खूबसूरत लग रहा है यार वो। So yeah, we have done with the lunch break over here. And abhi, now the time is 2:59. Almost 3 होने को है और अभी हम लोग ऐसे चलना शुरू करेंगे। आबार खाबो गाइस, आबार खाबो में हम लोगों ने आज खाया। आबार खाबो। फिर से खाएंगे, अगले बार फिर से खाएंगे। ग्रुप फोटो। तो गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम दिस कांचनपुर जंपुई यहाँ से और लगभग 40-45 मिनट्स लगेगा। यहाँ पे कुछ भाई लोग से हाय सुमिता आई गलो मिडिले इतना गीता सोलर बा। ओके चलो। हाँ हम या गाइस लुक एट द फैन बेस ऑफ ZX10R। और बहुत धूप है भाई, बहुत धूप है। पब्लिक रिएक्शन बॉस अभी हायाबुसा का। ओके चलो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके गाइस कांचनपुर क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड जस्ट लुक एट द कर्व्स यार। ओ माय गॉड दिस इज अमेजिंग यार, क्या खूबसूरत रास्तों पर हम लोग आ चुके हैं। ओए बल्ले बल्ले गाइस लुक एट दिस रोड यार, लुक एट दिस रोड। पूरा रास्ता खाली है एंड खाली रास्ता में जो रोल करने में मजा है ना भाई, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। और रास्ते का क्वालिटी भी काफी सही है। इतने देर इतने खूबसूरत रास्तों पर चल रहा था, अभी भाई ये क्या शुरू हो गया भाई। ओह सामने से अच्छा रास्ता दोबारा से दिखाई दे रहा है। आई गेस यही वाला पैच जो है खराब है, ये वाला पैच क्रॉस करेंगे तो दोबारा से अच्छा रास्ता शुरू। सोचा था कि बाइक बिल्कुल डर्टी नहीं होगा, घर से जैसे धो के लाया था वैसे ही घर पे जाएगा, पर नो गाइस यहाँ का प्लान तो कुछ अलग ही है। बैक टू गुड रोड एंड जस्ट लुक एट दिस यार, हर 2-3 किलोमीटर बाद हमें न्यू सीन्स देखने को मिल रहा है यार। यही तो मज़ा है भाई ट्रैवल करने का, ट्रैवल करो न्यू सीन्स देखो एंजॉय करो बल्ले बल्ले। एंड यहाँ से जो सीन दिखाई दे रहा है ना इट इज़ ऑसम गाइस, इट इज़ ऑसम। पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर रहा होगा क्या नहीं, पर मैं जो आँखों से देख रहा हूँ ना ये बयां नहीं कर सकते। ये फुल पावर MotoGP वाला रोड है। पीछे वाला सीन यार, पीछे वाला सीन किलर है भाई, किलर है। तो फाइनली गाइस आज का राइड का हम लोगों ने 200 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है एंड एक्चुअली मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ अपना ग्रुप से, बहुत पीछे। वैसे दोनों गाड़ी मेरे पीछे है लेकिन यू कैन से दैट मैं बीच में चल रहा हूँ। बाइक का सब लोग बहुत आगे चले गए, गाड़ी का सब लोग बहुत पीछे रह गए, मैं बीच में हूँ एंड रास्ते में चल रहा हूँ
इतना तक श्योर हूँ कि मैं करेक्ट रास्ते पे जा रहा हूँ। ग्रुप के साथ राइड करने का मजा कुछ अलग है एंड अभी जो मैं कर रहा हूँ ना वो अलग है। फाइनली बॉयज वी हैव रीच्ड आर होटल। ये है हमारा आज का होम स्टे। बल्ले बल्ले फाइनली गाइस। बहुत मजेदार वाला रास्ता था भाई, बहुत मजेदार वाला रास्ता था। तो गाइस फाइनली रीच्ड द होटल। यहाँ पे सारा गाड़ी का लाइनअप है, वहाँ पे हमारा सारा बाइक्स का लाइनअप है एंड दिस इज द होटल। यार बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है एंड सनसेट इसके पीछे हो रहा है। आई गेस इसके ऊपर जाने का कोई रास्ता है, हम लोग जाने का कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले तो गाइस फ्रेश व्रेश होते हैं, अगर ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं रहा तो हमारे पास ड्रोन है, ड्रोन से ही चेक कर लेंगे। तो यार ये हो गया हमारा सुमित दा का रूम। से हाय। ऐसी रिमोट पावा गए ना, फ्रस्ट्रेशन नहीं मानी। और ये हो गया हमारा रूम, ये हमारा रूम, ये बीच वाला मेरा बेड। फिर अभी सब कुछ चार्जिंग पे लगाने का कार्यक्रम खत्म करते हैं। एंड भाई पहाड़ पे जो सीन दिखाई दे रहा है ना भाई, इट इज वर्थ इट गाइस, जस्ट चेक इट आउट।